साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं ऐसी मॉडर्न मशीनें और टूल्स जिन्होंने इंसानी कामों के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया है। तो चलिए देखते हैं। डिजाइन टूल्स। फर्नीचर के निर्माण में कीलो और पेंच का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना किसी भी तरह के फर्नीचर का निर्माण संभव नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं पेंच को फर्नीचर में लगाकर उसे टाइट करने का कमाल का टूल। यह ऑटोमेटिक टूल पेंच को लगाकर उस पर पेंचकस का काम भी साथ साथ कर देता है। इस टूल में पेंच एक पाइप के जरिए इसके सिरे तक पहुँचते हैं। इसे ऑपरेट करना भी बेहद आसान है। SCHL UMPF। ये एक इलेक्ट्रिक लिफ्टर है जिसके द्वारा हल्के सामान को लोड या अनलोड किया जा सकता है। इसमें ऑपरेटर के लिए एक स्टैंड भी बनाया गया है जिस पर खड़े होकर ऑपरेटर इसे आसानी के साथ चला सकता है। यह ऑटोमेटिक लिफ्टर 1200 किलोग्राम तक का वजन उठाकर लोड कर सकता है और इसमें लगा 500 वोल्ट का पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर किसी भी तरह के रास्ते पर चलने में इसकी मदद करता है। पोर्टेबल वुड कटर। लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की पोर्टेबल मशीन। इस छोटी मशीन में 400 वोल्ट के इलेक्ट्रिक मोटर के साथ छोटा पेट्रोल इंजन लगाया गया है। इस मशीन के फ्रेम में लकड़ी के टुकड़ों को रखकर मैनुअल तरीके से चलाया जाता है। इसमें लगा तेज कटर लकड़ियों को पलक झपकते ही काट देता है। इस मशीन की मदद से बहुत कम एफर्ट के साथ बड़ी मात्रा में लकड़ियों को काटा जा सकता है। मेलको प्रोडक्ट्स। लकड़ी और फोम के बोर्ड पर स्टेपलर का काम करने के लिए ये एक ज़बरदस्त टूल हैं। किसी इवेंट या टेम्परेरी सेट पर केबल या पाइप को बिछाकर उसे स्टेपल करने के लिए बेहद कारगर मशीन हैं। पाइप या केबल को बिछाकर उसके ऊपर मशीन को रखकर स्टेपलर की तरह प्रेस करना होता है, जिसके बाद टूल के मुँह से क्लिप निकल कर पाइप के ऊपर बिछ जाता है और बोर्ड के अंदर फिक्स हो जाता है। ये वजन में हल्का होने के साथ साथ इसे ऑपरेट करना भी बेहद आसान है। स्टेपलर के कॉन्सेप्ट पर ही इसमें क्लिप्स को रिफिल किया जाता है। मोंटोलिट। ये एक ऐसा कटर है जो हार्ड मटेरियल को इजी मूवमेंट में काट सकता है। इसमें लगे कटिंग व्हील स्टील, कार्बन, टंगस्टन और टाइटेनियम धातु के मिश्रण से बनाए गए हैं, जो मार्बल और पत्थर जैसी ठोस सीट को भी आसानी के साथ काट सकते हैं। बारीक कटिंग करने के साथ साथ शीशे को काटने में भी यह टूल बेहद सक्षम है। दोस्तों, कौन सी मशीन या टूल आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।